जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जब 1948 में वीपी मेनन कश्मीर का भारत में विलय कराने के लिए महाराजा हरि सिंह से बात करने श्रीनगर गए थे तो सैम मानेकशॉ भी उनके साथ थे। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कोल के स्थान पर चौथी कोर की कमान दी गई थी। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज के बाद आप में से कोई भी जब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलता, और ध्यान रखिए यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। इसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने सीमा क्षेत्रों का दौरा किया था। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। सैम के एडीसी ब्रिगेडियर बहराम पंथाखी अपनी किताब सैम मानेकशॉ द मैन एंड हिट टाइम्स में लिखते हैं, सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि ऑपरेशन रूम में नहीं घुस सकती क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। इंदिरा गांधी को तब यह बात बुरी भी लगी थी, लेकिन सौभाग्य से इंदिरा गांधी और मानेकशॉ के रिश्ते इस वजह से खराब नहीं हुए थे।